भगवान के नाम का अगर आप जप करते हो तो मरोगे नहीं। और एक बात और सुन, मरती है तो आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। जब ध्यान से सुने, हमारे हाथ में दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा हाथ दर्द कर रहा है। हम में दर्द नहीं, हमारे हाथ में दर्द है। हमारा सिर दर्द कर रहा है, आज हमारे पैर में चोट लगी है, आज हमारी आंख फड़क रही, हम नहीं फड़क रहे है कि नहीं? इसका मतलब है कि हम अलग हैं और हमारी आत्मा, शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। परमात्मा का दर्शन कौन करता है? श्रुति भगवती कहती, आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मवान पुरुष ही परमात्मा का दर्शन कर पाता है। आत्मवान कौन है? जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, जिसके अंदर कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातित्वाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान सारे अभिमान समाप्त हो चुके हैं। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा का और परमात्मा का सहज संबंध है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये मित्र है, दोस्त है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। किंतु कभी कभी ये जीवात्मा माइक प्रपंचों में पड़ करके, माया के चक्कर में फंस करके परमात्मा को भूल जाता है और नाना प्रकार की योनियों में भटकने लग जाता है। जीवात्मा है परमात्मा की एक अंश है, जैसे अग्नि और अग्नि की चिंगारी, जैसे समुद्र और समुद्र की उर्मिया, समुद्र से समुद्र की उर्मी अलग नहीं है, इसी तरह से जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है, माया के प्रपंच में वह अलग दृष्टिगत हो रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती। देखो, परमात्मा साकेत में है, वैकुंठ में है, गोलोक में है, ऐसा नहीं है। वेद का कथन है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड के अंदर भी है। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, और परमात्मा यहां भी है। कहां है भगवान? हमारे शरीर में कहां बैठे हैं? भगवान का अनुभव करना है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि भगवान कहां बैठे? हाथ उठाओ ना। सब लोग जानना चाहते हैं भगवान कहां बैठे। नाभि से ठीक 10 अंगुल ऊपर हाथ लेकर के जाओ, नाभि से 10 अंगुल ऊपर। ये क्या है? हृदय। हृदय में जो धड़कन है वो तो परमात्मा ही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद भूमिगम
सर्वत्र स्पृत्वा तिष्ठत संकुलम, यही जीवात्मा भी बैठा है, यही परमात्मा भी है। किंतु जीवात्मा परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा है, है यही। अरे भाई, दिल में है तस्वीरें यार की, दिल में है तस्वीरें यार की, जरा गर्दन झुकाई देख ली। जय हो ठाकुर जी, तो हमारे हृदय में है। अभिमान को गलावे, गर्दन को झुकावे, ठाकुर जी दिखाई देंगे। फिलाफिल शेख का यारो, फिलाफिल शेख जीना है, वो उसकी अंगूठी है तो वो उसका नगीना है। कभी एक दूसरे से विलग नहीं होते दोनों, साथ संबंधी सखा है। सह खेलती सह खादती इति सखा, जो साथ में खेले खाए सोवे या समाना ख्यातिर यस्सा सखा, जिसकी समान ख्याति हो, जीव और ब्रह्म की समान ख्याति है। ब्रह्म जीव इव सहज सघाती, तो हम सब ब्रह्म को जानना चाहते। ब्रह्म को कैसे जाने, उस परमात्मा को हम कैसे जाने, उसको जानने के लिए उपाय क्या है? देखो, कर्म उपाय नहीं, ज्ञान उपाय नहीं है, वैराग्य उपाय नहीं है, उपाय केवल मात्र भगवान की कृपा है। और कृपा कैसे मिलेगी? भजन से। भारी मथे ग्रत होय सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपे। पानी को मथा जाए कभी घी नहीं निकलता, वालू के पेरा जाए तो तेल नहीं निकलता, और असंभव भी एक बार संभव हो सकता है, पर बिना भजन के जीवात्मा का कल्याण हो नहीं सकता। भजन करो मैंने ठाकुर जी से प्रेम हो गए। प्रेम नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। और एक बात सुन लो, मोहब्बत में वो ताकत है, मोहब्बत में वो ताकत है कि पत्थर भी पिघलते हैं, मोहब्बत में वो ताकत है कि पत्थर भी पिघलते हैं, और मेरे राघव को मंजूर हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं। प्रेम ठाकुर जी से सच्चा होना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।